दोस्तों, छिड़ावा राजस्थान के झुंझुनू जिले के नरड़ गांव का एक अलग ही ऐतिहासिक महत्व है। यहां की दरगाह कौमी एकता की मिसाल है। खादिम अजीज पठान और शाहिद पठान ने बताया है कि भारत में जब सूफी संतों का आगमन हुआ, उस समय सक्करबार पीर बाबा सब्जवारी रान की तरफ से भारत में आए। वे यहाँ रुके और दीन दुखियों की मदद करते रहे। धीरे धीरे इनकी प्रसिद्धि फैलने लगी। बाबा ने नरड़ में 752 साल पहले समाधि ली और तब से लेकर आज तक हर साल यहाँ उर्स होता है और जन्माष्टमी पर मेला लगता है। मान्यता है कि पहले यहाँ दरगाह की गुम्बद से शक्कर बरसती थी, इसी कारण यह दरगाह शक्करबार बाबा के नाम से भी जानी जाती है। शक्करबार शाह अजमेर के सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के समकालीन थे तथा उन्हीं की तरह सिद्ध पुरुष थे। शक्करबार शाह ने ख्वाजा साहब के 57 वर्ष बाद देह त्यागी थी। राजस्थान व हरियाणा में तो शक्करबार बाबा को लोक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। शादी, विवाह, जन्म मरण कोई भी कार्य हो, बाबा को अवश्य याद किया जाता है। इस क्षेत्र के लोग गाय व भैंस के बछड़ा जन्ने पर उसके दूध से जमे दही का प्रसाद पहले दरगाह पर चढ़ाते हैं, तभी पशु का दूध घर में काम में लिया जाता है। हाजीब शक्करबार दरगाह के परिसर में एक विशाल जाल का वृक्ष है, जिस पर जायरीन अपनी मन्नत के धागे बांधते हैं। मन्नत पूरी होने पर गांव में रथ जगा होता है, जिसमें महिलाएं बाबा के बखान के लोकगीत गाती हैं। दरगाह में बने संदल की मिट्टी को खाकी शिफा कहा जाता है, जिसे लोग श्रद्धा से अपने साथ ले जाते हैं। लोगों की मान्यता है कि इस मिट्टी को शरीर पर मलने से पागलपन दूर हो जाता है और दरगाह में ऐसे दृश्य देखे जा सकते हैं। हजरत के आस्थाने के समीप भी एक चांदी का दीपक हर वक्त जलता रहता है। इस चिराग का काजल बड़ा ही चमत्कारी माना जाता है। इसे लगाने से आंखों के रोग दूर होने का विश्वास है। दरगाह के पीछे एक लंबा चौड़ा तिबारा है, जहां लोग 7 दिन की चौकी भरकर वहीं रहते हैं। नरड़ दरगाह में कोई सजादान सीन नहीं है। यहाँ के सभी खादिम अपना अपना फर्ज पूरा करते हैं। दरगाह में बाबा के नाम पर देश विदेश से प्रतिदिन बड़ी संख्या में खत आते हैं, जिनमें लोग अपनी अपनी समस्याओं का जिक्र कर बाबा से मदद की आस करते हैं। दरगाह कमेटी के पूर्व सदर मास्टर सिराजुल हसन फारूकी ने बताया कि जिस प्रकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को सूफियों का बादशाह कहा गया है, उसी प्रकार शक्करबार शाह को बागड़ का धनी के नाम से प्रसिद्ध है। नरहड़ गांव कभी राजपूत राजाओं की राजधानी हुआ करता था। उस समय यहाँ 52 बाजार थे। पठानों के जमाने में यहाँ के लोदी खां गवर्नर थे। राजपूतों के साथ चले युद्ध में उनकी लगातार पराजय हुई। कहा यह भी जाता है कि एक बार हार से थक कर चूर हुए लोदी खां और उनकी सेना मजार के निकट विश्राम कर रही थी। तभी पीर बाबा की दिव्यवाणी हुई कि मेरी मजार तक घोड़े दौड़ाने वाले तुम कैसे विजयी हो सकते हो? यदि मजार से हटकर लड़ोगे तो तुम्हारी जीत होगी। इसके बाद लोदी खान ने फिर से आक्रमण किया, जिससे उनकी जीत हुई। उसी समय से यहाँ हजरत शक्करबार पीर बाबा का आस्थाना कायम है और उसी समय यहाँ मजार व दरगाह का निर्माण करवाया गया। जायरीन में प्रवेश करने वाले प्रत्येक जायरीन को यहाँ 3 दरवाजों से गुजरना पड़ता है। पहला दरवाजा बुलंद दरवाजा है, दूसरा बसंती दरवाजा और तीसरा बगली दरवाजा है। इसके बाद मजार शरीफ और मस्जिद है। बुलंद दरवाजा 75 फीट ऊंचा है और 48 फीट चौड़ा है। मजार का गुंबद चिकनी मिट्टी से बना हुआ है, जिसमें पत्थर नहीं लगाया गया है। कहते हैं कि इस गुंबद से शक्कर बरसती थी, इसलिए बाबा को शक्करबार नाम मिला। नरहड़ के इस जोड़ में दूसरी तरफ पीर बाबा के साथी दफन है, जिन्हें घरसों वाला का मजार के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।